हेलो एवरीवन, मैं हूं राम लखन पाल। कैसे हैं आप? स्टूडाइट पे हम आपके लिए लेकर आए हैं एक सीरीज, भारतीय दंड संहिता 1860 का एक परिचय, जिसके अंतर्गत पिछले लेक्चर में हमने बात की थी चोरी यानी थेफ्ट के विषय में। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं उद्दापन यानी एक्सटॉर्शन के विषय में। तो आज हम जानेंगे उद्दापन क्या है, उद्दापन के लिए दंड का क्या प्रावधान है, और उद्दापन और चोरी में अंतर। उद्दापन यानी एक्सटॉर्शन, जो कि भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 383 में परिभाषित किया गया है। उद्दापन, जिसे अपकर्षण या जबरन वसूली के नाम से भी जानते हैं। बेयर एक्ट की परिभाषा को पढ़ने से पहले हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जबरन वसूली क्या होती है। जबरन वसूली उसे कहते हैं कि कोई एक व्यक्ति किसी व्यक्ति को किसी क्षत यानी किस कोई नुकसान पहुंचाने के भय में डालकर उससे कोई संपत्ति की मांग करता है, उससे कोई संपत्ति अपने पक्ष में देने के लिए उससे मांग करता है कि आप हमें ये संपत्ति दो, नहीं तो हम आपको ऐसा नुकसान पहुंचा देंगे। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से कहता है कि आप हमको 10,000 रुपये दीजिए, नहीं तो हम आपके खेत में खड़ी फसल को आग लगा देंगे। तो यहाँ पे वह व्यक्ति क्या कर रहा है, उसको क्षति पहुंचाने के भय में डाल रहा है दूसरे व्यक्ति को, और उससे 10,000 रुपये की मांग कर रहा है। यानी यहां पर वह व्यक्ति उस व्यक्ति को उद्दापन कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है। अब बेयर एक्ट की परिभाषा को पढ़ते हैं। धारा 383 कहती है, जो कोई किसी व्यक्ति को, स्वयं उस व्यक्ति को या किसी अन्य व्यक्ति को कोई क्षति करने के भय में साशय डालता है, और एतद् द्वारा इस प्रकार भय में डाले गए व्यक्ति को कोई संपत्ति या मूल्यवान या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूति में प्रतिवर्तित किया जा सके, किसी व्यक्ति को परिदत्त करने के लिए बेईमानी से उत्प्रेरित करता है, उद्दापन करता है। तो इस परिभाषा में जो क्षति करने का भय जो बात कर रहा है, वो क्षति जो शब्द आया है, वो भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 44 में परिभाषित की गई है। क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जिसमें से शारीरिक क्षति, मानसिक क्षति, ख्याति की क्षति या संपत्ति की क्षति। उसके अतिरिक्त इसमें जो बात संपत्ति की गई है, संपत्ति की जो बात कर रहा है, वो दोनों प्रकार की संपत्ति से है, चाहे वो मूवेबल प्रॉपर्टी यानी चाहे जंगम संपत्ति हो यानी चल संपत्ति हो, या फिर स्थावर संपत्ति यानी अचल संपत्ति हो। उसके बाद कह रहा है मूल्यवान या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज जिसे मूल्यवान प्रतिभूत में प्रतिवर्तित किया जा सके। मूल्यवान प्रतिभूत को भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 30 में परिभाषित किया गया है। तो मूल्यवान प्रतिभूत में कौन कौन से कागजात आते हैं, जैसे कोई जमीन के कागजात या कोई विल या कोई चेक। तो यहाँ पे कह रहा है कि कोई मूल्यवान या हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज, यानी जैसे कोई ऐसा कागज है जो स्टाम्प है, उसको हस्ताक्षरित करने की बात करता है कि किसी सादे स्टाम्प को आप हस्ताक्षर करके दीजिए, नहीं तो हम तुम्हें ये नुकसान पहुंचा देंगे। या फिर कहता है कि आप किसी सादे कागज को हस्ताक्षरित करके दीजिए, या किसी स्टाम्प को हस्ताक्षर करके दीजिए, या किसी चेक को हस्ताक्षरित करिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है वो जो सादे कागज पे आपसे जो साइन करा रहा है, उसको बाद में वो क्या करेगा कि उस पे कोई अपना स्टेटमेंट लिख करके आपकी कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति उसके माध्यम से डिलीवर करा लेगा, और बाद में उस कागज को एज ए एविडेंस कोर्ट में प्रस्तुत कर सकेगा कि ये कागज जो है इन्होंने ही लिखा था और इनके यहाँ पे साइन है। जैसे किसी चेक पे आप उसने कहा कि आप अपना साइन करके दीजिए, और ये उद्दापन कर रहा है कि चेक पे साइन करके आप मुझे दीजिए। तो जैसे ही आप चेक पे साइन करते हैं, और उसके बाद वो क्या करता है कि उस चेक पे अपनी मर्जी से जितनी रकम चाहे वो लिख करके उसको उसका अनादरण करा सकता है, उसको भंजा सकता है। तो ये क्या हो जाएगा, तो वही जो हस्ताक्षरित या मुद्रांकित कोई चीज की जो बात करी जा रही है, वो हस्ताक्षरित कागज जो है वो मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में परिवर्तित किया जा सकेगा, यानी मूल्यवान प्रतिभूति के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि उसका मूल्य हो जाएगा और उस मूल्य से उसको क्या होगा, बेनिफिट होगा। व्यक्ति उद्दापन कर रहा है यहां पे।
तो उद्दापन के आवश्यक तत्व तो क्या हैं ये समझने की कोशिश करते हैं। देखिए उद्दापन के जो आवश्यक तत्व हैं उनमें से क्षति करने का भय, यानी जो व्यक्ति उद्दापन कर रहा है वो सामने वाले व्यक्ति को क्षति पहुंचाने का भय पैदा कर रहा हो, क्षति पहुंचाने का भय डाल रहा हो। अब वो क्षति किसी भी प्रकार की हो सकती है, जो मैंने चार प्रकार की भी बताई थी। उसका बेईमानीपूर्ण आशय हो, संपत्ति और मूल्यवान प्रतिभूति परिदत्त करने का उत्प्रेरण कर रहा हो, यानी उसकी मांग कर रहा हो। तो कह रहा है यदि कोई व्यक्ति बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए किसी व्यक्ति को क्षतिकारित करने का भय दिखाकर किसी मूल्यवान प्रतिभूति की मांग करता है तो वह उद्दापन का अपराध करता है। इसको एक उदाहरण के जरिए समझते हैं। रमेश बेईमानीपूर्ण आशय रखते हुए मुकेश को उसकी प्राइवेट वीडियो को पब्लिश करने का भय दिखाकर उसके लखनऊ वाले प्लाट को रमेश के नाम करने की मांग करता है। फिर मुकेश प्लाट रमेश के नाम करे या न करे पर रमेश उद्दापन करता है। इसमें क्या है कि रमेश जो है बेईमानीपूर्ण आशय रख रहा है और वो मुकेश को कह रहा है कि आपकी जो हमने वीडियो क्लिप बना ली है वो हम पब्लिश कर देंगे अगर आप हमको अपना लखनऊ वाला प्लाट हमारे नाम नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो वीडियो है वो क्या है कि मुकेश की उसमें जो है प्राइवेट वीडियो है जिससे उसकी ख्याति धूमिल होगी। तो यहाँ पे उसकी कौन सी क्षति पहुंचाने की बात हो रही है, उसकी ख्याति को धूमिल करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पे रमेश जो है वो मुकेश के साथ क्या कर रहा है, एक्सटॉर्शन कर रहा है, यानी उसका उद्दापन कर रहा है, जबरन वसूली कर रहा है। तो धारा 383 के अंदर हम लोगों ने उद्दापन को पढ़ लिया है। अब धारा 384 यानी उद्दापन के लिए दंड का प्रावधान करती है, उसको देखते हैं। जो कोई उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि उसको दंड देने की बात कही गई जो उद्दापन करेगा। अभी यहां पे जो उद्दापन किया गया है उस उद्दापन की ग्रेविटी बहुत ज्यादा हाईएस्ट लेवल के ऑफेंस की नहीं है, मतलब बहुत बड़े ऑफेंस को नहीं करने की बात कही गई है इसमें। अब इसके बाद क्या होता है, फिर धारा 385 देखते हैं। धारा 385, जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति को किसी क्षति के भय में डालेगा या भय में डालने का प्रयत्न करेगा, वो दोनों में से किसी बात के कारावास से जिसकी अवधि 2 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दोनों से दंडित किया जाएगा। तो यहाँ पे 2 वर्ष की सजा का प्रावधान है और इसमें उद्दापन करने के प्रयत्न की बात कही गई है, इसलिए यहाँ पे सजा और कम हो गई है, 2 साल तक की सजा हो गई है। इसके बाद आती है धारा 386, जो कोई किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहत के भय में डालकर उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो यहाँ पे अपराध की ग्रेविटी और ज्यादा बढ़ गई, यहाँ पे जो उद्दापन किया है उसकी ग्रेविटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से सजा कितने साल में बदल गई, 10 साल में, और बढ़ी किस लिए है वो देखते हैं। इसमें कह रहा है किसी व्यक्ति को मृत्यु या घोर उपहति, अब मृत्यु तो मतलब उसकी जान चली जाएगी, घोर उपहत मतलब उपहत को हम लोगों ने पढ़ा था धारा 319 में और घोर उपहत को धारा 320 में। तो घोर उपहत के अंतर्गत क्या क्या आता है, जैसे किसी भी व्यक्ति की आंखों का को मतलब कि फोड़ देना या उसके हाथ पैर को तोड़ देना या उसकी श्रवण मतलब कि कानों की सुनने की क्षमता को बिल्कुल खत्म कर देना या उसके दांत तोड़ देना, ये मतलब किसी भी प्रकार का की ऐसी उपहति जो बहुत ही हार्मफुल तरीके की है, बहुत ही डेंजरस है। तो उस प्रकार की उपहति के भय में अगर किसी व्यक्ति को कोई डालता है तो वहां पे 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। उसके बाद आती है धारा 387, जो कोई उद्दापन करने के लिए किसी व्यक्ति की मृत्यु या घोर उपहत के भय में डालकर उद्दापन करने का प्रयत्न करेगा, यानी यहाँ पे भी प्रयत्न करने की बात आ गई, तो यहाँ पे सजा 3 साल घट गई यानी 7 साल तक की सजा हो गई है। उसके बाद आती है धारा 388, जो कहती है जो कोई किसी व्यक्ति की मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध का अभियोग लगाने की धमकी देकर उद्दापन करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास से जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की हो सकेगी जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो इसमें कह रहा है कि कोई व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति को यह कह करके उसको उद्दापित करेगा कि हम जो है आप पे कोई ऐसा अभियोग लगा देंगे या आपके पे ऐसा कोई मुकदमा दर्ज करा देंगे जिसमें मृत्युदंड की सजा दी जाती है या आजीवन कारावास की
सजा दी जाती है उस अभियोग में, जैसे कि किसी भी व्यक्ति को जान से मार देना, यानी किसी के मर्डर में हम आपको फंसा देंगे, या हम किसी के रेप में आपको फंसा देंगे। तो इस प्रकार के जघन्य अपराधों को करने के लिए अगर कोई अभियोग लगाने की बात करता है और धमकी देता है, उद्यापन करता है, तो यहाँ पे उसको 10 साल तक की सजा का प्रावधान है धारा 388 में। फिर धारा आती 389, जो कोई उद्यापन करने के लिए किसी व्यक्ति को अपराध का अभियोग लगाने के भय में डालेगा, ऐसा अपराध जो मृत्यु या आजीवन कारावास से या 10 वर्ष तक के कारावास से, यहाँ पे कह दिया कि मृत्यु और आजीवन कारावास, उसके बाद 10 वर्ष तक की सजा को भी इंक्लूड कर लिया इसमें, कि अगर इतनी सजा वाले अपराध को लेकर के कोई भय में डालेगा कि हम आप पे कोई अभियोग लगा देंगे, कोई मुकदमा दर्ज करा देंगे, तो वहाँ पे उसको किसी भांत के कारावास से, जिसकी अवधि 10 वर्ष तक की, इसमें 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। अब बात ये उठती है कि अगर किसी व्यक्ति को ये धमकी दी जा रही है कि हम आपके खिलाफ कोई अभियोग लगा देंगे, कोई मुकदमा दर्ज करा देंगे, बेशक वह मुकदमा सही हो, मतलब बेशक उसने ऐसा कोई ऑफेंस किया हो और उसके बाद में वो जाकर के उसको सजा मिले, लेकिन अभी यहाँ पर अगर कोई व्यक्ति उसको धमकी इस प्रकार की देता है तो वो सजा का पात्र होगा, यानी 10 साल तक की सजा का पात्र होगा। तो अब हम बात करते हैं उद्यापन और चोरी के अंतर के विषय में। चोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि चोरी सिर्फ चल संपत्ति की हो सकती है, लेकिन उद्यापन चल या अचल दोनों प्रकार की संपत्ति के लिए हो सकता है। चोरी में हमने पढ़ा था चोरी भय के बिना कारित की जाती है, यानी किसी व्यक्ति को कोई भय दिए बिना, लेकिन उद्यापन भय में डालकर संपत्ति प्राप्त करने की बात कही गई। और चोरी में क्या था कि कब्जे से संपत्ति को हटाया जा रहा था, यहां क्या है, भय में डालकर संपत्ति मांगी जाती है, यानी उससे संपत्ति डिलीवर करने की बात कही जाती है। तो बेसिकली चोरी और उद्यापन में यही अंतर है। तो दोस्तों आज हमने जाना उद्यापन क्या है, उद्यापन के लिए दंड का क्या प्रावधान किया गया है, उद्यापन और चोरी में क्या अंतर है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, स्टूडेंट को सब्सक्राइब करिए और हमारे साथ बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस टाइम।